Hi. Oh, hi. आप इतनी खामोश क्यों? नहीं, मैं ठीक हूँ. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ. लेकिन मैंने आपसे पूछा नहीं कि आप कैसे हैं. मैंने तो ये पूछा कि आप खामोश क्यों हैं. ओह, कोई बात नहीं. क्या चल रहा है जिंदगी में? कुछ नहीं, बस अच्छे दिनों का इंतजार शायद. हाँ तो समझे, अच्छे दिन आ गए. कैसे? मैं जो आ गया हूँ पता चल जाएगा आपको. क्या मतलब? मतलब तो मुझे भी नहीं पता. लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि आपके घर में जो मेहमान आते हैं, आप उन्हें कुछ खिलाती पिलाती हुई हैं या ऐसी खाली पेट भेज देते हैं? नहीं, मैं लेकर आती हूँ. ओह सॉरी सॉरी. हाँ भाई, बात करनी है तुम दोनों से. अभी अभी मेरी बादल से बात हुई है फोन पे और उसको हमारी जहनी अच्छी लग गई है. आई एम सो हैप्पी. बस अम्मा को बताना बाकी है. और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने सजेस्ट किया उसको कि जहनी से मिले. और कौन करेगा? तुम्हारी बहन की खुशी का ख्याल मेरे अलावा और किसको होगा? देखो, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि शादी के बाद वो मेरे घर में चली जाएगी. इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेरी तो मानो जैसे दुआ कबूल हो गई है. बहुत अच्छा है, है ना सर? एक बारी जैनी को लो, पूछ लो जी. हाँ तो जैनी से तो मैं खुद भी बात कर लूंगी, लेकिन उसको मनाने का काम तुम दोनों का. देखो, मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता किसी बेवकूफी की वजह से जो है ना हमारे हाथ से निकल जाए. से अम्मा जो हैं वो अभी तक अलीना के पीछे पड़ी हुई हैं. अगर अलीना नहीं तो कोई और अनमैरिड लड़की. यू नो हाउ मदर्स आर. आई नो. थैंक यू, यू आर द बेस्ट. तुमसे ज्यादा मेरी बहन है वो. व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इसको बच्चे के साथ छोड़ो, ठीक है? तुम शुरुआत करो. यू टॉक टू. चलो 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 चलो, लेट्स गो. टॉक टू हर, उसको मनाना है भाई. लेट्स गो, लेट्स गो. अगली बारी तुम्हारी है. योर नेक्स्ट. नहीं भाभी, पर ये बात सही नहीं है. वो कब तक हमें इस तरह बेवकूफ बनाएंगी? हद होती है हर चीज की. उनकी वजह से ना आप खुश हैं ना मैं खुश हूं. हम सब कितने ना खुश हैं. ये नहीं हो सकता. मुझे समझ नहीं आ रही लोग किस तरह दूसरों को किस हद तक बेवकूफ बनाते हैं.